मध्य प्रदेश चुनाव के बीच उमा भारती चली हिमालय, भाई शिवराज को थमाई पांच मांगों की लिस्ट। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उमा भारती ने कहा कि लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमने कांग्रेस को 20 साल पहले ध्वस्त किया था, वे सपने कितने पूरे हुए इस पर आत्मचिंतन करने वो हिमालय जा रही हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती हिमालय प्रवास पर जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी के चुनाव घोषणा पत्र के लिए अपनी पांच मांगों की लिस्ट भी सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की है। इसमें उन्होंने धार की भोजशाला में सरस्वती माई की गद्दी पर वापसी और रायसेन से सोमेश्वर मंदिर के पट खोलने की मांग करके बीजेपी को असहज स्थिति में ला दिया है। इसके साथ ही उमा भारती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वे केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने पर ही पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। बीजेपी से की अधूरी आकांक्षाओं को पूरा करने की बात। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुरुवार को उमा भारती ने लिखा, हमारी पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवार घोषित हो गए हैं। अभी मध्य प्रदेश में हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है, जिसके आधार पर हमारी पार्टी जनादेश मांगेगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी और भगवान से प्रार्थना भी करती हूं कि हमारी सरकार बने और मेरी और हम सबकी अधूरी रह गई आकांक्षाओं को पूरा करे। उमा भारती ने पार्टी के घोषणा पत्र के हिसाब से पांच सुझाव भी दिए हैं। पहला, केन बेतवा रिवर लिंक जो लगभग 2017 से शिलान्यास के लिए तैयार है। दूसरा, गौ संवर्धन गौरक्षण के उपाय संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुँच पाए हैं। तीसरा, पंचजा अभियान संपूर्णता से नहीं हुआ, टुकड़ों में हुआ। चौथा, धार भोजशाला की सरस्वती माई राज्य और केंद्र में हमारी सरकार होते हुए भी अपनी गद्दी पर वापस नहीं लौट सकी। पांचवा, रायसेन के सोमेश्वर एवं विदिशा की विजया देवी के मंदिर के पट नहीं खुल सके, जबकि हमारे केंद्रीय नेतृत्व के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। उमा भारती ने आगे लिखा, अंत में मैं इस निष्कर्ष पर हूं कि 2003 के अभी तक 1.5 साल को छोड़कर हमारी ही सरकार रही। लोगों के जिन सपनों को पूरा करने के लिए हमने कांग्रेस को 20 साल पहले ध्वस्त किया था, वे सपने कितने पूरे हुए उस पर अभी और आत्मचिंतन में अभी कुछ दिन हिमालय में बद्री केदार के दर्शन करते समय करूंगी। आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करने की बात। इसके साथ ही उमा भारती ने बताया कि वो गुरुवार को अपने जन्म स्थान ग्राम टुंडा जिला टीकमगढ़ के लिए निकल जाएंगे। उमा भारती ने कहा कि अपनी जन्मभूमि के 2 दिन के प्रवास पर मैं चुनावी आचार संहिता के सभी नियमों का पालन करूंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए लिखा, इन 3.5 वर्षों के शिवराज जी के कार्यकाल में कई जनकल्याणकारी कार्यों की भी शुरुआत हुई। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।